अनफ्रेंड किए हुए फ्रेंड को कैसे आप फेसबुक में ऐड कर सकते हैं। यह दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी भी फ्रेंड को फेसबुक से अनफ्रेंड कर दिए हैं तो फिर कैसे उसे बिना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए हैं अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं अपनी फेसबुक ऐप को। और फ्रेंड्स वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तीन लाइन पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद आ जाते हैं अपनी प्रोफाइल में और इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सी ऑल फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कुछ फ्रेंड को अनफ्रेंड करूँगा और अनफ्रेंड कर देने के बाद फिर से उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए परशुराम कुमार ये है, मैं इसे यहाँ पे अनफ्रेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली क्लिक किए और अनफ्रेंड परशुराम कुमार, देन यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक किए। और इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे है कुमार राजन सिंह, यहाँ पे हम इस तीन बिंदु पे यहाँ पे क्लिक किए और इसे भी यहाँ से हम अनफ्रेंड कर दे रहे हैं। अनफ्रेंड यहाँ पे कर दिए। अब इन दोनों फ्रेंड को मैं फिर से अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ के आपको दिखाऊंगा। चूंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, लेकिन ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं हो रहे हैं। एकदम से यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पे फेसबुक के अब एकदम होम पेज में हम आ जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इस तीन लाइन पे यहाँ पे। इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, देन आप फिर से क्लिक कीजिएगा सेटिंग्स। दोस्तों यहाँ पे हम फेसबुक की सेटिंग्स में हैं और सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा। यहाँ पे आपको एकदम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा योर एक्टिविटी का और इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटी लॉग। तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा एक्टिविटी लॉग पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कनेक्शंस का, सिंपली यहाँ पे हम कनेक्शंस पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे फिर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड्स का कनेक्शंस में, तो आप फ्रेंड्स पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव फ्रेंड्स का, सिंपली आप रिमूव फ्रेंड्स पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जितने भी फ्रेंड को रिमूव किए हुए हैं वो सब के सब यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सोनू मेहता रिमूव फ्रॉम राजन सिंह, अभी मैं राजन सिंह को रिमूव किया था और इसी तरह यहाँ पे परशुराम सिंह को भी मैं आज ही रिमूव किया हूँ और इन्हें भी मैंने आज ही रिमूव किया था वीडियो बनाने से पहले। और इसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं 20 नवंबर को मैं इन दो फ्रेंड को रिमूव किया था, इसी तरह से 8 मई को मैं रिमूव किया हूँ। तो फ्रेंड्स आप जितने भी फ्रेंड को रिमूव किए होंगे वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसे आप कैसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा लाइक, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर वो फ्रेंड आपको ब्लॉक कर देता है या फिर वो खुद से अनफ्रेंड हो जाता है तो इस तरह से ऐड वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा, फिर आप उसे ऐड नहीं कर सकते। अगर आप उसे फ्रेंड लिस्ट से अनफ्रेंड किए तो फिर यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। हो सकता है कि आप जैसे उसे अनफ्रेंड करें और अनफ्रेंड कर देने के बाद हो सकता है कि वो आपको उससे पहले ब्लॉक कर दे तो भी इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा। सिंपली अब यहाँ पे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा ऐड फ्रेंड पे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाता है। इसी तरह से मैं इस फ्रेंड को भी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये भी फ्रेंड मेरे फ्रेंड लिस्ट में इस तरह से ऐड हो जाता है। चाहे तो यहाँ पे आप कोई और फ्रेंड को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो चाहे तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।